तो यार तुम लोग को तो पता है कि तुम्हारे भाई के आजकल व्यूज बहुत ही कम कम आ रहे हैं, मतलब डाउन हो गया है। और भाई ये डाउन इस वजह से हुआ है क्योंकि भाई मेरा चैनल जम चुका है। यस, क्योंकि भाई तुम्हारा भाई अभी थोड़े दिन पहले दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर गया, तो वहाँ पर जाने के बाद मेरा चैनल भी जम चुका था। जम चुकने का मतलब फ्रीज हो चुका था। तो भाई अब मेरा जो चैनल है वो फ्रीज हो ही चुका है, मतलब मेरा चैनल जो है नॉक हो ही चुका है। तो भाई उसे रिवाइव भी तो अब मैंने करना ही है ना। तो गाइस मैंने सोचा क्यों ना भाई अपने चैनल को किया जाए रिवाइव। अब वो रिवाइव कैसे होता है भाई, तुम लोग भी अपने चैनल को इसी वजह से इसी ट्रिक से रिवाइव कर सकते हो जिसका चैनल भी फ्रीज होता रहता है बार बार। और ये तो मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ जिससे तुम अपने चैनल को रिवाइव कर पाओगे, ठीक है ना। और लेकिन रिवाइव करने के लिए तुम्हें फ्री फायर डाउनलोड करनी होगी, ठीक है ना। तो जल्दी से पहले तो फ्री फायर डाउनलोड करो यार। ओके, तो सबसे पहले तो तुम लोगों ने फ्री फायर डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद तुम लोगों ने मजदूरी वाले ऑप्शन पे नहीं क्लिक करना। ये जो दो ऑप्शन है ये मजदूरी वाले ऑप्शन है, सीएस रैंक और बीआर रैंक। अगर तुम लोग गलती से भी बीआर रैंक पे क्लिक करोगे तो भाई तुम्हारी जिंदगी चली जाएगी। फिर मेरे को मत बोलना तुमने जितनी भी मजदूरी की होगी वो सारा इतना तुम्हारा माइनस पड़ेगा कि तुम्हें मैथ में प्लस से ज़्यादा अच्छा लगने लग जाएगा, माइनस तो बिल्कुल बेकार लगने लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए तुम लोग ज़रा सा आगे आना और फिर भाई बैटल रॉयल सेलेक्ट कर लेना और फिर भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड में बैटल रॉयल खेलने लग जाना। लेकिन एक सेकंड, मैं तो चैनल फ्रीज करने के बारे में बता रहा हूँ, ये क्या बता रहा हूँ मैं। ओके, तो गाइस सबसे पहले आप लोगों ने सोलो वर्सेस स्क्वाड में मैच कर देना है स्टार्ट। और स्टार्ट करने के बाद भाई साहब मैच आप लोगों ने ना। ओके, तो यार गेम स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले तो तुम लोगों ने पूरा पीक घूम लेना है भाई साहब, और फिर कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है ओपी वीडियो भरो। ओके, तो यार ये करने के बाद तुम लोगों ने पूरा पोची नॉक घूम लेना है, और फिर ये वीडियो को भाई साहब जरा फुल स्क्रीन से ऑफ स्क्रीन करो, और फिर भाई नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसे दबा दो भाई।